हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 20 पार्ट मिलेंगे और इस 20 पार्ट में पूरा KBS, NBS, UGC, BEd, CTET, PRT, TGT, PGT पूरा टीचिंग मेथड और टीचिंग एप्टीट्यूड कर खत्म करेंगे। बेसिकली शिक्षण अभिरुचि का यह जो क्रैश कोर्स है, आप ही लोग के डिमांड पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर उस पर हम लेके आ रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल से नए हैं, अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो अगर भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, अगर टीचर्स न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को निसंकोच ज्वाइन कर लीजिए और बेल वाले आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई वीडियो आए तो आपको मिल सके। ठीक, एक चीज़ और बता दे रहा चाहता हूँ कि जो भी नवोदय विद्यालय के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें के जो हम इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, वो इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम शुरू करेंगे। आइए हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने पार्ट 3 को शुरू करते हैं, जिसमें हम विद्वानों के कॉन्सेप्ट और उनके विचार और कुछ टीचिंग मेथड पे बात करेंगे, जिससे कि आप लोग को एक आइडिया मिल पाएगा। ठीक, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को इसका आंसर पता है, तुरंत इसको कमेंट करिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस विद्वान ने यह कहा था, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरे स्लेट की तरह होता है। कौन विद्वान ने कहा था कि जो शिशु का मस्तिष्क होता है कोरा कागज या कोरा स्लेट होता है, यानी प्लेन प्लेन होता है। इनका कथन है, क्यों कभी कभी एग्जामों में कथन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग को इसको पता रहना चाहिए कि किसने कहा था कि स्लेट होता है। ठीक, अब देखिए इसके 4 ऑप्शन है, रूसो, बटलर, प्लेटो, एडलर। तो आप लोग को इसका अगर सही उत्तर पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आइए एक क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको बता चुके हैं तो ठीक है, आप लोगों को 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि जो शिशु होता है उसका मस्तिष्क जो होता है कोरे स्लेट की तरह होता है। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देखते हैं, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण, यानी 5 स्टेप इन लर्निंग बताए थे, यानी किस विद्वान ने कहा था कि सीखने के 5 चरण होते हैं, इसका आपको पता रहना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक फ्रॉवेल, केमिनियस, प्लेटो, हर्बर्ट। तो इसका आपको पता रहना चाहिए कि हर्बर्ट महोदय ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी राय है। मतलब जब छात्रों को प्रताड़ित या शारीरिक दंड दिया जाता है, तो एज ए टीचर आप क्या उसकी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। ठीक, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए। ठीक, और तीसरा ऑप्शन हमारा है, दंड देते समय शिक्षक को बच्चों की आयु, उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, और चौथा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन, जहां तक हो शारीरिक दंड, जहां तक संभव दंड से बचा जाए, यानी, और चौथा, दूसरा ऑप्शन, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए, और तीसरा, दंड देते समय बच्चों की शारीरिक क्षमता और उसकी आयु को ध्यान रखना चाहिए। क्या हो सकता है, आप लोग उत्तर बताएं, अगर आप लोग को उत्तर पता है तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। एज ए टीचर जब आप टीचर ज्वाइन करते हैं, तो जहां तक हो आप बचिए दंड से। ठीक, दंड से आपको बचना चाहिए, ये चीज आपको टीचर के अंदर एक गुण रहना चाहिए। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन 4 नंबर पे बात करें, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक को शांत रहना चाहिए। अगर कोई आपके क्लास में स्टूडेंट है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आपको शांत रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि छात्र नासमझ होते हैं, छात्र उदंड होते हैं। यदि छात्र समझदार होते तो वह ऐसा करेगा ही नहीं। अगर जो भी स्टूडेंट समझदार, वह ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए, छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। अगर इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको क्या लगता है, यानी ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यदि छात्र समझदार होता तो ऐसा करेगा ही नहीं, ये या 2 ऑप्शन
बचे हुए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इन दोनों ऑप्शन का बताइए कि ग और घ में से क्या होगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन का उत्तर मैं लास्ट में बताऊंगा या जो अगला सेशन आएगा उसमें मैं बता दूंगा, ठीक। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन को अध्यापक अगर रहते हैं, अगर दुर्व्यवहार अध्यापक करता है या स्टूडेंट करता है, तो आप उसको शांत रह के कैसे जवाब देंगे, ठीक। इस चीज का उत्तर दीजिए, दो ऑप्शन आपके ये हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आक्रामक आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना कैसा हो क्या कहलाता है? आक्रामक आयोगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना क्या कहलाता है? इसके आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला समाजीकरण, जिसे सोशलाइजेशन कहते हैं, कहलाता है। उदात्तीकरण, सबलाइमेशन भी कहते हैं, बौद्धिक औचित्य, और तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ख, ठीक, उदात्तीकरण कहलाता है। आक्रामक आवेगों को सभ्य समाज क्रियाओं में लगाना उदात्तीकरण कहलाता है, ठीक। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर बात करें, क्वेश्चन 6 पे, तो पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप पाठशाला की क्या होना चाहिए? अगर कोई पाठशाला जो है बच्चों के लिए होती है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार बच्चों क्या होना चाहिए? पाठ्यचर्चा होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट करिकुलम होना चाहिए इसके लिए, ठीक, करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें अगर, पठन पाठन विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक बल देना चाहिए? जो पठन पाठन है उसके चार चरण दिए गए हैं, उसमें से सबसे अधिक एज ए टीचर आप किस पर जो ज्यादा बल देंगे? प्रिपरेशन पर, प्रस्तुतिकरण पर, तुलना पर, सामान्यीकरण पर? आप जरूर उत्तर बताइए, इसको 5 सेकंड का समय आपके लिए है, आप जरूर उत्तर बताइए। अगर कमेंट बॉक्स में करिए इसका क्या आंसर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन पे एज अध्यापक आपको ज्यादा समय देना चाहिए। प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब आप लोगों ने बीएड किया होगा तो आप लोग को बताया गया होगा प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक। तो प्रेजेंटेशन पे आपको ज्यादा समय देना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, मतलब कक्षा शिक्षण जब आप कर रहे हैं तो उसमें एक एनालिटिक मेथड होता है, एनालिटिक यानी विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ठीक, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। दोनों ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, दोनों ज्ञात तथ्यों की तुलना करते हैं। जो एनालिटिक भी मेथड होता है, एनालिटिक मेथड, तो आप इसको याद रखिएगा, एनालिटिक मेथड जो होता है ये हमेशा अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन, छात्र, इसमें देखिए जो कक्षा शिक्षण होता है उस विधि के अधीन, सिंथेटिक मेथड के अधीन छात्र क्या जाता है? अब देखिए, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, सक्रिय भागीदारी नहीं बन पाता। अब इसका सही उत्तर होगा, अगर सिस्टमेटिक मेथड की बात करें, सिंथेटिक मेथड की बात करें, तो इसमें आप देखिएगा जो कोई भी छात्र अगर होता है उसमें इसका उसका अपोजिट होता है, अज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, ठीक। इतना ध्यान रख लीजिएगा, यानी सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। और इस वाले क्वेश्चन में जब पूछा गया था एनालिटिक मेथड में, तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, और इसमें अगर सिंथेटिक मेथड में पूछा जाएगा तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान नहीं है? देखिए, रूसो महोदय ने शिक्षा के बहुत बड़ा योगदान है, उनके चार योगदानों में से एक योगदान ऐसा है जो नहीं है, तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल दिया हूँ कि नहीं है। है तो आपको पता है क्या क्या योगदान दिए, नहीं है जो आप नहीं है उसे ही आपको करेक्ट आंसर मारना है, ठीक। बाल केंद्रित शिक्षा पे तो रूसो ने दिया था, ये शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका,
ये इस पर एक कंफ्यूजन, शिक्षा में खेल कूद का महत्व, इसने भी रूसो दिया था पाठ्यचर्या में सुधार, यानी एक ऑप्शन अलग लग रहा है ख। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकता है आंसर, फटाक दे 5 सेकंड के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी इसके पहले वाली जो पार्ट है, अगर पहले वाले पार्ट, अगर पार्ट 1, 2 नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन लिंक दे रहा हूँ, वहां से देख लीजिएगा। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका पर उन्होंने बात नहीं कही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 बात करें, कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, पढ़ाए हुए सभी पुस्तकें एक दूसरे से लेते देते रहते हैं, यदि अध्यापक समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा है और उसमें मुख्य बात क्या थी, जो क्या थी, तो इससे बच्चे में क्या होगा। अच्छा, एक क्लास में अगर बच्चे इंटरटेनमेंट के लिए किताबें पढ़ रहे हैं और समय समय पर टीचर उनसे पूछ रहा है कि इसमें मुख्य बात क्या है, तो ऐसे इसमें बच्चे में क्या परिवर्तन, उसके क्या परिवर्तन आएंगे टीचर के प्रति और किताब पढ़ने के प्रति उसके नॉलेज। अब देखिए, चार ऑप्शन है, अभिव्यक्ति का गुण पैदा होगा, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होगी, विश्लेषण की योग्यता पैदा होती है, उपरोक्त सभी। तो अगर एक टीचर आप हैं, अगर बच्चे में इंटरटेनमेंट किताब पढ़ रहे हैं तो उनसे आप पूछ रिपोर्ट ले रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। ठीक, अभिव्यक्ति का भी पैदा होगा, मनोरंजन के लिए आदत भी उनको पड़ेगी और विश्लेषण योग्यता भी उनके अंदर पैदा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात कर लें, यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता है, तो शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, इसका छात्र पर क्या प्रतिक्रिया होगी, छात्रों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। ऐसे बहुत बार है, जब टीचर आप जब जाते हैं चीजों को देखते हैं, अगर कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछ लेता है, अगर उसका उत्तर आपको नहीं पता है, तो ऐसे समय में छात्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रतिक्रिया होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। इसका हो जाएगा, चार ऑप्शन, कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, प्रभाव जरूर पड़ेगा उनके ऊपर। ठीक, वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, वे समझ जाएंगे बिल्कुल, तभी तो नहीं बता रहे, ये हो गया। तीसरा ऑप्शन, वे समझ जाएंगे कि वह प्रश्न अप्रासंगिक है, नहीं ऐसा नहीं है, जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है जरूर उसमें न उसमें कोई प्रासंगिकता रहती है। ठीक, अब वे प्रश्न पूछने वाले छात्र की हंसी उड़ाएंगे, नहीं हंसी भी नहीं उड़ाएंगे, प्रासंगिकता भी नहीं है, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन बी हमारा सबसे सटीक जा रहा है ख। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अध्यापक अभिभावक मीटिंग, जो पेरेंट मीटिंग होती है, क्योंकि आजकल पेरेंट मीटिंग का ट्रेंड इंग्लिश मीडियम स्कूलों में काफी बढ़ते जा रहा है, तो उसको देखिए, उस पर से एक प्रश्न मैंने बनाया है। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जब आप पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, या जो टीचर बनेंगे तो गार्जियन आपसे आके पूछेगा, तो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी वहां पे आपकी, तो उस समय क्या आपका लाभ होता है इसका। पहला ऑप्शन, बच्चों की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों, ठीक, यानी बच्चा क्या सीखा है, क्या उसकी उपलब्धि है, इसके बारे में आप जाने। शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चे को किस आधार पर कितने अंक दिए, अब शिक्षक अभिभावक को समझाए, ये तो नहीं जरूरी है कि हम किस आधार पर मार्क्स दें, ये तो कोई जरूरी नहीं। अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्ववृत्त बताए, अभिभावक क्या बताएगा, अभिभावक से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे, वह कितनी सहायता करे, नहीं इससे अभिभावक ये भी टीचर से नहीं पूछ सकता कि वह कितनी हेल्प करे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा क, बच्चे की उपलब्धि के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों, ठीक, कि कितना बच्चा सीखा है, दोनों लोग सहमत हों, पेरेंट्स मीटिंग का यह उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर बात करें, स्कूल में कक्षा में टेलीविजन पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। देखिए, जब आप एनबीएस में जाएंगे तो वहाँ पे टीवी, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, बच्चे वहाँ आके दूर से पढ़ते हैं, तो उनके लिए टीवी भी रखा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले, तो आप लोग देखिए इसको। स्कूल शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है, कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर
पर ही काफी समय टेलीविजन देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविजन कार्यक्रम न दिखाया जाए, स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बच्चों को जो शिक्षण कार्य में टेलीविजन दिखाया जा रहा है, अभिभावक चाह रहे हैं कि अब बंद हो जाए, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पर आप देखेंगे, इसका उत्तर अगर आपको पता हो तो बताइए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। इसका पहला ऑप्शन, उसे अभिभावकों को सलाह देनी चाहिए कि घर पर टेलीविजन देखने पर बच्चों पर स्वयं नियंत्रण करें। यानी आप अभिभावक को सलाह दे सकते हैं कि आप बच्चों पर नियंत्रण करिए। ठीक, अब देखिए अगला ऑप्शन, उसे अभिभावक को शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविजन शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। नहीं, शिक्षण कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी ख तो होगा नहीं। अगला देख लेते हैं, उसे अभिभावक से बातचीत करके छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। यानी अभिभावक से बात करके हुए आप छात्रों को समझाएंगे कि वो ऐसा न करें। ठीक, घर देख लेते हैं, उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविजन शिक्षा कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वो स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञान वर्धक है। यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा घ, जो पूर्ण रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, कि आप अभिभावक को बुलाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए हम लोग किस प्रकार के यहाँ पे आपके छात्र आपके बच्चों के लिए एडुकेशनल चैनल चला रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, आपका पीरियड आरंभ हो जाता है, आप कक्षा में कुछ देर से पहुंचते हैं। ठीक, एज ए टीचर आपका पीरियड शुरू हो गया और कक्षा में देर से पहुंचते हैं। आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर शराबा हो रहा है। ऐसी स्थिति अमूमन हो जाती है जब हम बच्चे रहते थे, तब भी टीचर अगर ना आए तो हम लोग काफी लाउडनेस और शोर शराबा करते थे, तो उस समय एज ए टीचर क्या जिम्मेदारी होती है? अब समझिए, आप पहुंचते ही शांत हो, आपके पहुंचते ही शांति हो गई, ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जब आप देखते हैं कि आप नहीं है तो बच्चे चिल्ला रहे हैं और आपको देख के बच्चे शांत हो गए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन 15 का आपको ऑप्शन दे दिया जा रहा है, आपको ऑप्शन है, अगर आ रहा है तो बताइए। पहला ऑप्शन, आप कक्षा में छात्रों से पूछेंगे कि कौन कौन शोर मचा रहा था और शोर मचाने वालों को दंड देंगे। ठीक, ऐसा बहुत बार देखा गया है, बहुत से अध्यापक करते हैं, लेकिन ये गलत प्रक्रिया है, उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। ठीक, दूसरा, आप छात्रों की इस गलती से नाराज होकर उस पीरियड में उनको नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, ये भी नहीं करेंगे, उनको पढ़ाना ही है। ठीक, और तीसरा देख लेते हैं, आप नाराजगी प्रकट करते हुए बच्चों को ऐसा कभी ना करने की चेतावनी देंगे। ये हो सकता है भाई, नाराजगी प्रकट करेंगे और चेतावनी देंगे ऐसा ना करें। आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। देखिए दो ऑप्शन सुटेबल पहुंच रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसका घ आंसर सही होगा कि आप कक्षा में गए, अगर शांति हो गई, शांति अगर हो गई, बच्चे शांत हो गए, तो आपको सीधे अपना पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। यह दो रीजन है, पहला आप लेट हैं तो बच्चों को समय वेस्ट ना करेंगे, और दूसरा ऑप्शन अगर कक्षा शांत है तो शांत रहने के लिए बोलना ही नहीं है और नाराजगी करनी ही नहीं है, आप सीधे पढ़ाई का कार्य शुरू करेंगे, तो इसका ये हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका क्या उत्तर होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है। अब देखिए ये 15 क्वेश्चन मैंने टीचिंग मेथड और विद्वानों की प्रवृत्तियों से लेके आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये सेशन ए पार्ट जो सीरीज हम ला रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की कैसी लग रही है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर कहें, क्योंकि भविष्य में हम इसके 20 पार्ट लेके आने वाले हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी।